सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, हम पहले आपको अनुच्छेद में खेलों का महत्व पढ़ाए, आज हम उनका पुनरावृत्ति करेंगे। खेलों का महत्व, खेल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है वो आपको पता है। हर चीज बहुत जरूरी है, खाना, पढ़ना, समय से जगना, समय से खेलना। हम अपने पाठ्यक्रम में, हर विद्यालय के पाठ्यक्रम में एक खेल का पीरियड होता है। क्यों होता है? क्यों नहीं हम हमेशा पढ़ते ही रहते? क्यों होता है? इसलिए एक तो सबसे पहली बात है कि खेल से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है, पाचन क्रिया हमारा सही रहता है। ऊपर से पढ़ने के क्रम में, पाठ्यक्रम में जो हमारे खेल हमारे रूटीन में जो शामिल होता है, क्यों होता शब्दा में भी? क्योंकि बच्चे खेलते खेलते उब जाते हैं। फिजिकल भी उसके लिए बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य भी, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ना 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 पढ़ना, उससे हमारा मानसिक और शारीरिक विकास नहीं। इसलिए हम जरूर, हमारे खेल हमारे लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। खेल तो आजकल खेल में जो इतने बड़े पोस्ट पर सब पहुंचे हैं, इतने बड़े पद पे पहुंचे, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे भारतवर्ष में हैं, उसको कितना सम्मान से हम देखते हैं। जब क्रिकेट का मैच होता है, हमारा भारत जब खेलता है, तो पूरे भारतवासी उत्साहपूर्वक उस खेल को देखते हैं। हमारा भारत तो जीतेगा। तो खेल मनोरंजन के साथ साथ हमें अनुशासन भी सिखाता है, अनुशासन में रहना भी सिखाता है। तो खेल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। खेल से हमारा मन, मस्तिष्क सभी प्रसन्न रहता है। और खेल एक भाईचारे का भी हमें सीख देता है, एकता का भी सीख देता है। उस खेल के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं। खेल को बच्चों हमेशा खेल को खेल के महत्व से सीखना चाहिए। खेल को हमेशा हृदय से खेलना चाहिए। कभी भी खेल को, कभी भी हम जीतते हारते दो टीम होते हैं खेल में, हमेशा दो टीम होते हैं। चाहे लूडो खेलो, कैरम बोर्ड खेलो, क्रिकेट खेलो, चाहे कोई भी खेल खेलो, तो दो टीम होता, हार जीत तो होगी ही, कोई एक टीम ही जीतेगी। तो हमेशा हमें खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। जीतने के बाद जो हारे हुए टीम है उसे हमें गले लगाना चाहिए और एक दूसरे के गले मिलकर के एक दूसरे को बधाई देना चाहिए। ना कि वह हारा है तो उसे हम घृणा के नजर से, अरे तुम हार गए, तुम तो जीत नहीं सकते हो मेरे से, कभी ऐसा व्यंग्यात्मक बात नहीं करना चाहिए। अगर अगला टीम जो खेल रहा है वह हार गया है तो उससे हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, वो तो खेल के मैदान की बात थी। बाद में तो सब हमारे अपने ही है, नाम सब अपने ही कक्षा में हम कक्षा फोर और ए और कक्षा फोर बी को अलग अलग टीम बना देते हैं। जब हम खेल के मैदान में जाते हैं तो हम क्या होते हैं, अलग अलग टीम की वहां जीतता है कि नहीं तुम दूसरे टीम के हो, मैं दूसरे। परंतु हम विद्यालय में एक ही कक्षा के सभी बच्चे हैं, जब मैदान में जाते हैं तो हम अलग होते हैं। और वह होना भी चाहिए, जहाँ जो स्थान है कर्म भूमि, युद्ध के मैदान में जब कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था, वो भी तो रिलेटिव थे, भाई थे, लेकिन युद्ध के मैदान में जाने के बाद वहां पे कोई रिश्तेदार नहीं होता। इसलिए हम कहाँ हैं, अपने युद्ध के मैदान में, अपने खेल के मैदान में। तो वहां जब हम खेल खेलेंगे दो टीम में, तो हार और जीत तो हमेशा होती है, कोई एक ही जीतता है। इसलिए बच्चों हमेशा खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। खेलने से हमारे शरीर बहुत स्वस्थ होते हैं। और जब हम कभी खेलते हैं, खेलने के क्रम में अगर कोई गिर जाता है, किसी को चोट लग जाती है, तो ऐसा भी नहीं सोचना कि जिस टीम में वो खेल रहा है वही बच्चे आकर उसे उठाएंगे। नहीं, उसे कोई भी, जिसको दिख गया किसको खून बह रहा है, पांव में दर्द हुआ, दौड़ के मदद करने के लिए दौड़ना चाहिए। खेल में हमें यही सीखना है और सिखाया भी जाता है। तो बच्चों खेल सबसे बड़ा चीज हमें क्या
सम्मान करना। इसलिए हमें खेल को हमेशा खेल की भावना से खेलना चाहिए, नहीं ना कि प्रतिद्वंदी। हम मैदान में प्रतिद्वंदी, परंतु हम आपस में सब एक ही हैं। इसलिए बच्चों, खेल को हमें अनुशासन में रख के खेलना चाहिए। धन्यवाद मेरे बच्चों।